ग्रामीण संघर्ष समिति प्रस्तावित नगर निगम मंडी में शामिल होने के विरोध में डीसी मंडी के माध्यम से सचिव शहरी इकाई को ज्ञापन प्रेषित किया गया और ग्रामीण संघर्ष समिति के पक्ष को मजबूती के साथ जनता के समक्ष रखा। वहीं सभी प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें नगर निगम में शामिल न किया जाए बल्कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहना दिया जाए। सभी प्रभावित पंचायतों व गांवों के प्रधान में वार्ड मेंबर, महिला मंडल के पदाधिकारी, स्वयं सहायता समूह व युवक मंडल के पदाधिकारी ने ग्रामीण संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ मिलकर नगर निगम मंडी में शामिल होने का विरोध जताया है। ग्रामीण संघर्ष समिति के सदस्यों और प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधियों पर ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके नगर निगम में शामिल होने का विरोध जताया। साथ ही सरकार से अपील की है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहने दिया जाए। हम भी नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि गांव में हमारे बहुत से काम लगे होते हैं, तो हमें हमारे गांव की जनता भी बहुत गरीब है, तो ना तो नगर निगम कर सकती है, जैसे लगते हैं टैक्स वगैरह, बाकी हम नगर गांव में जाना चाहते हैं। मैं आदर करता हूं अपने मीडिया के बंधुओं का, इन्होंने हमारी हर बात घर घर पहुँचाई। आज हम 13 पंचायतों के प्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, महिला मंडल, युवक मंडल, नौजवान साथी, बीडीसी मेंबर, प्रधान, उप प्रधान, हम सब ने मिलके जो हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ था उसकी कॉपी सभी पंचायत के प्रधानों द्वारा और जितने गणमान्य व्यक्ति हम अंदर गए उनके द्वारा हमने डीसी साहब को सौंपी। इससे पहले हमने रैली निकाली, मौन जुलूस निकाला, काले मास्क पहन के हमने रैली निकाली शांतिपूर्वक ढंग से, हमने किसी को कोई हरास नहीं किया। मैं फिर निवेदन करूंगा हिमाचल सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि हमारे वो मंडी के हैं, हम उनका विरोध नहीं करना चाहते। विरोध तो उनका श्राद्ध में होता है, सिर्फ उन्होंने एक तहसील हेडक्वार्टर चेंज किया था, उनका विरोध 3-4 महीने चलता रहा, लेकिन हम मंडी के रहने वाले उनका आदर करते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं हम लोगों को नगर निगम से बाहर किया जाए। जैसे कि हमारी पंचायतों में सबसे मेन एक मनरेगा, हमारे नौजवान बेकार हो जाएंगे, मनरेगा में हमारे नौजवानों का और बहनें हैं बेटियां हैं उनके जॉब कार्ड बने हुए हैं, जॉब कार्ड के माध्यम से हर जॉब कार्ड धारक को हम 100 दिन का कर देते हैं और मनरेगा की दहरी 198 रुपए, अदर की दहरी 275 रुपए। ये इनको इससे मैं नहीं पढ़ना चाहिए, अगर ये लोग हमारी छींटाकटी करते हैं, कुछ ये लोग जो चुनिंदे लोग हैं इनके, इनको बोलते हैं ये हमारे गाँव वालों की ये कर रहे हैं, गाँव में ऐसा, पंचायतों में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आइए हम आप हमारी पंचायतों में, हम दिखाते हैं आपको कौन, ये बोलते रास्ते पक्के नहीं होंगे, हम उल्का पानी, अरे उल्का पानी भी तो हमारे गांव ग्राम से ही आए हुए हैं, कोई इनका नहीं है, हम कदर करते हैं सर बोलो के हमारे भाई हैं यहाँ, लेकिन हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाइए, गांव वाले कुछ नहीं जानते, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आइए आप, हम निवेदन करते हैं इनसे, जितने अगर चुनिंदा लोग इनके, बाकी उसे बोलते हैं चुनिंदा आए दिन मतलब गलत बयानबाजी कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ये बोल रहे हैं अभी इतने प्रधान है यहाँ हमारे सामने, कौन सी पंचायत में करेक्टर सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट पैसे दिए जाते हैं, कहीं नहीं करेक्टर सर्टिफिकेट फ्री मिलता है, हम तो ऐसा भी करते हैं जो गरीब परिवार से उसको परिवार नकल चाहिए उसका चार्जिंग मिल लेते, और हम जो हाउस टैक्स की बात कर रहे हैं, ये हाउस टैक्स नहीं इतना नहीं हम साइन करेंगे, उसके बाद हमें अगर नगर निगम में डाल दिया जाता है हमें घर बनाने के लिए नक्शा मंजूर कराना पड़ेगा और अन्य टैक्स देना पड़ेंगे, तो सेट के लिए नक्शा मंजूर कराना पड़ेगा, तो हम निवेदन करते हैं हमें नगर निगम से बाहर रखा जाए। आज 13 पंचायतों में थे हमारे 13 पंचायतों के जितने कर थे बंदे हमारे, हरेक बाढ़ वाइज जो जो बाढ़ है हमारी इसमें गई, जो जो रेवेन्यू वाल जो हमारा इसमें गया हुआ नगर निगम में, तो कम से कम सारे हमारे 1590 के करीब है, और आगामी क्या रहेगा अगर डाल दिया जाता है, मांग कौन सुनी करता है आपकी, नगर निगम में डाल जाता है, हम संघर्ष करेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, विरोध करेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रधान ग्राम पंचायत ग्राउंड से, हम नगर निगम में नहीं जुड़ना चाहते, हमारे गांव में अपनी भी बहुत सारी सुविधाएं और बहुत से हम उसी में खुश हैं, तो इसलिए हम गांव में ही रहना चाहते हैं क्योंकि गांव में हमें मनरेगा के तहत और भी कई सारी सुविधाएं, तो हम वहीं में रहना चाहते हैं, हम शहर में नहीं आना चाहते नगर निगम।